गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर कुछ नया लेकर आ गया हूँ, और ये मैंने 30 डेज का कोर्स बनाया है, स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 30 डेज। इसमें प्रैक्टिस भी है और इंग्लिश भी है, राइट? प्रैक्टिस एंड इंग्लिश दोनों मिलकर बनाएंगे, इंग्लिश प्रैक्टिस स्पीकिंग, राइट? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेसन 5, बेसिक इंग्लिश, डे 5। टॉपिक है डू एंड डज। अगर हम बात करें डू डज, तो एक ही बात याद आती है, ताती ते। एक ही बात आती है, टेंस। अरे भूलो टेंस, छोड़ो ताती ते, आ जाओ प्रैक्टिकल। डू और डज की अगर हम बात करें तो मीनिंग होता है डिक्शनरी में करना, यानी डू और डज का मतलब क्या होता है? करना। डू और डज एक हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, डू और डज एक वर्ब भी होते हैं। अगर आप मेरी भाषा में कहें तो डू और डज एक टाइम वर्ड भी होते हैं, डू डज एक एक्शन भी होते हैं, यानी क्रिया भी होती है और साइक क्रिया भी होती है, डू और डज। तो हम आज हम बात करेंगे डू डज का स्पीकिंग में कैसे यूज करते हैं, डू डज को राइटिंग में कैसे यूज करते हैं। तो रेडी हो जाइए। तो देखो फ्रेंड्स, डू डज का मतलब होता है करना। तो हम यही जानना चाहते हैं कि तुम ये काम करते हो या नहीं। जैसे अगर आप मान के चलो आप राइट नाउ मुझे देख रहे हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो? हाँ मैं पीता हूँ सर, आई टेक टी। तो लो चाय पी लो। नहीं पीता, आई डोंट टेक टी, मत पियो। तो सिंपल सी बात है कि डू और डज का मतलब होता है करना, जिसके लिए हम पहले सीखेंगे डू। किसकी बात करेंगे? ओनली डू की। डज की भी करेंगे, बट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, यानी थोड़ी देर बाद। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई काम बताना है कि मैं करता हूँ, जैसे मैं चाय पीता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें ना तो मैं काम कर रहा हूँ, ना इसमें काम मैं कर चुका हूँ, बस इसमें मैं करता हूँ। चाहे मैं साल में एक बार करूँ, 6 महीने में करूँ, डेली करूँ, या होली टू होली करूँ, बट मैं करता हूँ। तो जैसे आपने बोला मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, क्या बोला आपने? आई टेक टी। यानी कि इसमें सिंपल याद रखना है कि आई के बाद डायरेक्ट कोई एक्शन लगाना है अगर आप कोई काम करते हैं। और वैसे भी कहते हैं आई डू, यानी कि मैं करता हूँ, क्या बोलोगे? आई डू, मैं करता हूँ। अब क्या करते हो? आई टेक टी। तो यानी डू की जगह हमने क्या लगा दिया? टेक, यानी आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप सिंपल बोलोगे आई डू, मैं करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ? चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं आता हूँ, आई कम। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। यानी इसमें मैं काम करता हूँ, चाहे संडे टू संडे करूँ, डेली करूँ, साल में करूँ, बट मैं करता हूँ, यानी मेरी लाइफ में क्या ये शामिल है। तो डू डज का मतलब एक करना भी होता है, और डू डज का मतलब आप शामिल ही मान सकते हैं, इंक्लूडेड, यानी कि जो काम तुम्हारी लाइफ में इंक्लूड है, यानी जिस काम को तुम बार बार करते हो, अगेन एंड अगेन बार बार करते हो, या तुम्हारी लाइफ में वो काम शामिल हो या करना हो, उसका हम बोलते हैं डू और डज, ठीक है। तो आज से आपको अगर बताना हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, यानी ये काम मैं करता हूँ ना, यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जैसे मैं मोमोज खाता हूँ, आई टेक मोमोज। मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो आई के बाद आप कोई एक्शन लगा देंगे, जैसे आई डू, तो डू क्या एक एक्शन है, यानी कि आई प्लस एक्शन, यानी कि आई प्लस एक्शन, यानी आई प्लस एक्शन, यानी आई के बाद आप कोई क्रिया लगा के इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। इसके बाद निगेटिव है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस, यानी नहीं, क्योंकि डू का मतलब होता है करना, डू मीन्स करना, तो मैं नहीं करता, आई डू नॉट टेक टी, यानी मैं नहीं करता, चाय नहीं पीता, आई डू नॉट टेक टी, यानी कि आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट। डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं, आई डोंट टेक टी। और फुल में अगर आप बोलना है तो आई डू नॉट टेक टी। तो कैसे बोलेंगे? मैं मोमोज नहीं खाता, आई डू नॉट टेक मोमोज, क्योंकि डू का मतलब होता है करना। तो आप यही तो कह रहे हैं, मैं काम नहीं करता, आई डू नॉट डू वर्क, आई डू नॉट डू वर्क, या आई डू नॉट वर्क। तो आप क्या काम नहीं करते, वो सेंटेंस आप बता रहे हो। जैसे मैं चाय नहीं पीता, आई डोंट टेक टी। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल ए लाई, आई डू नॉट टेल ए लाई। मैं कॉलेज नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू कॉलेज। मैं देर से नहीं आता, आई डू नॉट कम लेट। मैं क्लास में हिंदी नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक हिंदी इन द क्लास। मैं चुगली नहीं करता, आई डू नॉट बैक बाइट। मैं गाली नहीं देता, आई डू नॉट अब्यूज, राइट? अगर मैं करता हूं तो आई डू, अगर मैं नहीं करता तो आई डू नॉट डू। अब डू का मतलब है करना। अब मैं ये जानना चाहता हूं, डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो? ये तो मैंने यस और नो सीखा, क्या सीखा? यस और नो। अब इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, और जो भी तुम्हारे सामने होता है वो कौन होता है? यू।
कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए एक्स वाई जेड, चाहे जानने वाला या अनजान, वो हमेशा यू ही होगा। तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो डू यू, जैसे आपको पता है मैं चाय पीता हूं या नहीं, नहीं पता, तो डू का मतलब क्या होता है करना, डू का मीनिंग क्या होता है करना। तो कंफर्म कर लो जीतू सर के बारे में कि जीतू सर ये काम करते हैं नहीं। तो कैसे कंफर्म करोगे, क्या तुम नॉनवेज खाते हो, डू यू टेक नॉनवेज, डू यू टेक नॉनवेज। कंफर्म करो क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी। पूछो मुझसे क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। पूछो मुझसे क्या तुम कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज। यानी कि डू यू करके आप वो कंफर्म कर सकते हैं कि सामने वाला ये काम करता है या नहीं। फ्रेंड्स अभी हमने बात की थी डू की, अब हम बात करेंगे डज, ठीक है। तो माय डियर जैसे आपने बोला कि मैं चाय नहीं पीता, तुम नहीं पीते, तो जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बार बार बताता हूँ, अगर मैं कोई काम नहीं करता, तुम कोई काम नहीं करते, तो फिर कौन करता है, थर्ड पर्सन। कौन करता है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन होते हैं, ही शी नेम इट और दे, यानी ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो आप कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इंग्लिश में आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश बोलनी पड़ती है। जैसे यार मैं चाय नहीं पीता, वह चाय पीता है। अरे मैं गाना नहीं गाता, मेरा दोस्त बहुत अच्छा गाना गाता है। मैं नॉनवेज नहीं खाता, मेरे पापा नॉनवेज खाते हैं। अरे मैं दारू नहीं पीता, मेरे पापा दारू पीते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें किसी थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो वो थर्ड पर्सन के लिए हम सीखेंगे ही एक्शन प्लस एस ए एस। यानी जब भी आप किसी थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश बोलते हैं, किसी एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए, तो आपको वहां पे एक्शन में एस या ई एस लगाना है। जैसे वह चाय पीता है, ही टेक्स टी। वह चाय पीता, ही टेक्स टी। और वे चाय पीती हैं, दे टेक टी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक यानी कि सिंगुलर आएगा तो आप एक्शन में एस या ई एस लगा सकते हैं। जैसे टेक्स है तो यहाँ पे गो में ई एस लगा सकते हैं। तो यानी कि जहाँ पे ई पहले से दे रखा है एस लगा देंगे, कुछ नहीं दे रखा है तो ई एस लगा देंगे। तो ही टेक्स टी, ही गोस, राइट। और जब बहुवचन आ जाए यानी प्लूरल कोई आ जाए तो दे टेक टी, यानी प्लूरल में कोई ऐसा यस नहीं लगेगा। ओनली थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए सिंगुलर यानी कि एक वचन की बात करेंगे तो ही आएगा एस या ई एस। जैसे मेरे पापा कॉलेज जाते हैं, माई फादर गोज टू कॉलेज। मेरी माँ खाना बनाती है, माई मदर कुक्स फूड। मेरे पापा जल्दी उठते हैं, माई फादर गेट्स अप अर्ली। मेरे टीचर पढ़ाते हैं, माई टीचर टीचेस। मेरी सिस्टर कॉलेज जाती है, माय सिस्टर गोज टू कॉलेज। सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन प्लेस क्रिकेट। तो जब भी आप किसी थर्ड पर्सन की इंग्लिश बोलेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, अपने आप को छोड़ के और सामने वाले को छोड़ के अगर किसी तीसरे के लिए बोलेंगे तो साउंड आएगा एस या ई एस का। नेगेटिव सेंटेंस, जब आप नेगेटिव बोलेंगे तो ही डज नॉट, क्योंकि डज का मतलब क्या होता है करना, और डू का मतलब भी करना, डच का मतलब भी करना, डू का मतलब भी करना। तो जब आप थर्ड पर्सन के लिए किसी एक के लिए मना करेंगे, ही डज नॉट टेक टी, यानी वह चाय नहीं पीता है। जब डज में ऑलरेडी ई एस लग चुका है तो टेक में दोबारा से एस नहीं लगेगा, ऑलरेडी डज में पहले से ही ई एस लगा हुआ है। तो ध्यान रखना डज के साथ दोबारा से कोई ऐसा ई एस नहीं आएगा एक्शन में। जैसे ठीक है, ही डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं पीता। मेरे पापा चाय नहीं पीते, माई फादर डज नॉट टेक टी। मेरी माँ चाय नहीं पीती, माई मदर डज नॉट टेक टी। सचिन नहीं खेलता, सचिन डज नॉट प्ले। मेरा दोस्त नहीं पढ़ाता, माई फ्रेंड डज नॉट टीच। यानी जब भी आप थर्ड पर्सन के लिए किसी सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए मना करेंगे तो डज नॉट से मना करेंगे। जब आप ज्यादा के लिए मना करेंगे तो दे डू नॉट टेक टी, वे चाय नहीं पीते। दे डू नॉट कम, वे नहीं आते। तो दे डू नॉट, यानी थर्ड पर्सन के लिए जब आप एक के लिए मना करेंगे तो डज नॉट, ज्यादा के लिए मना करेंगे तो डू नॉट, डज नॉट एंड डू नॉट। जब आप क्वेश्चन करेंगे यानी इंट्रोगेटिव, जब भी आप किसी सामने वाले से यानी कि मैं तुम्हारा सामना हूं यानी कि सेकंड डू, आप मुझसे किसी तीसरे के लिए क्वेश्चन करेंगे, किसके लिए करेंगे, किसी तीसरे के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, तो आपके पास डज भी होगा डू भी होगा। मान के चलो आप मुझसे किसी ही के लिए पूछना चाहते हैं, ही क्या सिंगुलर है, तो आप बोलेंगे डज ही टेक टी, क्या वह चाय पीता है। और अगर आप मुझसे ज्यादा के लिए पूछेंगे तो डू दे टेक टी, क्या वे चाय पीते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप मुझसे बातें करेंगे तो डू यू, और मुझसे जब किसी तीसरे के लिए बात करेंगे तो डज भी लगा सकते हैं और डू भी लगा सकते हैं। जैसे आप मेरे फादर के बारे में अगर कन्फर्म करना है क्या तुम्हारे पापा चाय पीते हैं नहीं, तो डज योर फादर टेक टी, डज योर फादर टेक टी, यानी ही की जगह हमने क्या लगा दिया, योर फादर, डज योर फादर टेक टी, क्या तुम्हारे पापा चाय पीते हैं। पूछो मेरी माँ के बारे में, क्या तुम्हारी माँ कॉलेज जाती है, डज योर मदर गो टू कॉलेज, कैसे बोलेंगे, डज योर मदर गो टू कॉलेज। क्या तुम्हारी सिस्टर जल्दी उठती है, डज योर सिस्टर गेट अप अर्ली। क्या राहुल आता है, डज राहुल कम। क्या सोहन चाय पीता है, डज सोहन टेक टी, ठीक है। अगर आप मुझसे बातें करोगे तो डू यू, और मुझसे किसी तीसरे के लिए बात करेंगे तो डज भी लगा सकते हैं डू भी लगा सकते हैं। तो आज आप
आपको पता लग गया डू और डस का मतलब क्या होता है करना, डू डस का मतलब क्या होता है करना, तो भूल जाइए कि डू डस का मतलब नहीं होता तातीते, डू डस का मतलब होता है करना, यानी कोई काम हम बार बार करते हैं या हमारी लाइफ में कोई काम शामिल होता है। तो आज हमें पता लग गया डू डस को हम स्पीकिंग में राइटिंग में कैसे यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ही शी नेम इट, यानी ही शी नेम इट के साथ डस आता है, I, you, they, we के साथ do आता है, तो आपको प्रॉपर पता लग गया इस बॉक्स के थ्रू does कहां लगते हैं, do कहां लगते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड टेक केयर।